नमस्कार, मैं अनिल कुमार, आपका सुनो भारत न्यूज़ में स्वागत करता हूं। आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर समीर राठी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उन्होंने अपनी यात्रा छोटी सी उम्र से ही प्रारंभ कर दी थी और आज लाखों युवाओं के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत हैं। समीर जी, आपका स्वागत है सुनो भारत में। समीर जी, लोगों को सालों लग जाते हैं लोगों को मोटिवेट करने के, लेकिन आप छोटी सी उम्र में लोगों को मोटिवेट कैसे कर पाते हो, इसके बारे में कुछ बताइए। आपकी शुरुआत कैसे हुई? थैंक यू सो मच अनिल जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ आपको मुझे इस अवसर को देने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। देखिए, जैसे कि आपने पूछा कि मोटिवेशन छोटी सी एज में, तो स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो शुरू में एक लाइन सुनी थी बचपन में कि जिन बच्चों की मंजिल बहुत दूर होती है तो उनको यात्रा बचपन से शुरू करनी पड़ती है। बस इसी लाइन को लेकर ही अपनी यात्रा को शुरू किया। एट द एज ऑफ 17 आई स्टार्टेड माई एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। तो जब छोटी सी उम्र से अपनी यात्रा को शुरू किया तो बहुत सारे चैलेंजेस, और जो एज अ कॉम्प्लेक्स लाइक एनी अदर एंटरप्रेन्योर, आपकी जर्नी में जो चैलेंजेस आते हैं, जो हर्डल्स आते हैं और आप उनको पार करते हुए आगे निकल जाते हैं, तो उस तरीके की एक जर्नी रही है। नियर टू डिकेड हो गया। तो इस गहरे अनुभव को एक इच्छा मन में आई कि लोगों के साथ बांटना चाहिए, क्योंकि जब कुछ लोगों के साथ बांट के देखा तो उनकी लाइफ में जब ट्रांसफॉर्मेशन देखी तो वो दिल को छू गई। Insanity is doing the same thing over and over again, expecting a different result. अगर जिंदगी में वही किया है जो आज तक करते आए थे तो आगे भी वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया था। इसलिए हमेशा एक चेंज, एक बदलाव के लिए सोचें। Desire for change is must maintained throughout the process. तो उसे लगा कि जब आपके पास एक अनुभव है, एक गहरा अनुभव है, तो उसे लोगों के साथ क्यों नहीं बांटना चाहिए। और बस यही वहाँ से एक प्रेरणा मिली, क्योंकि ये जो एक शेयर करने का है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस मेरी ज़िंदगी में रहा है जिन्हें लगता नहीं था कि कभी लाइफ में वो कुछ अच्छा कर पाएंगे, और जब वो मोटिवेशन उनको मिला, एक वो जो टच उनको मिला, एक पॉजिटिविटी उनकी लाइफ में देखने को मिली अपने माध्यम से, तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ी थी। समीर जी, मोटिवेशन लाइफ में किस प्रकार काम करता है और किस किस वक्त काम करता है? देखिए अनिल जी, मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो मोटिवेशन लाइफ में इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ काम करता है। मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट बोथ टू एन इंडिविजुअल और बिजनेस। अगर हम एन इंडिविजुअल बात करें टू अचीव पर्सनल गोल्स, उसमें मोटिवेशन बहुत काम करता है। फॉर अ बिजनेस अगर हम बात करें, अगर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड हैं तो टीम विल बी मोर एम्पावर्ड, एंड द टीम इज एम्पावर्ड सो जो टीम वर्क है वो ज़्यादा होगा। अगर आपका टीम वर्क ज़्यादा है तो वेरी ऑब्वियस आपका प्रॉफिटेबल एंड सक्सेसफुल बिजनेस रहेगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अमेंडमेंट्स देर विल बी मोर अडेप्टेबिलिटी एंड क्रिएटिविटी। तो द पार्ट ऑफ मोटिवेशन इज मोर इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ। फॉर स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं, आज आपने सुना होगा कि पहले सुनने में आया था कि एक 12वीं क्लास का बच्चा फेल हो गया एक सब्जेक्ट में तो उसने सुसाइड कर लिया। फिर सुनने में आया कि 10th क्लास के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, और अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था तो एक 8वीं क्लास के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो हम यहाँ से थोड़ा सोचने का विषय है, अब ये सोचें कि एक 8वीं क्लास के बच्चे ने अपनी लाइफ में ऐसा क्या पैरामीटर सेट किया कि उसे लगा कि अगर मैं इस सब्जेक्ट में फेल हो गया तो मेरा जीना के कोई फ़ायदा नहीं। तो लाइफ में हर जगह पे मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। इवन आजकल बहुत सारे स्कूल जैसे हैं, और मैं ऐसा चाहता हूँ कि एक सब्जेक्ट वेलनेस सब्जेक्ट भी लोग स्कूल में होना चाहिए, ताकि बच्चों को वीकली और बाई वीकली बेसिस पे एक मोटिवेशन लेक्चर जरूर मिलना चाहिए कि आपको हताश नहीं होना है, पॉजिटिविटी रखनी है, डिस्ट्रैक्शंस जो आपकी स्टडीज़ में आ रहे हैं उन्हें किस तरीके से हमें उनसे अपना ध्यान हटाना है, किस तरीके से अपनी स्टडीज़ पर फोकस करना है। तो बहुत ही अहम भूमिका मोटिवेशन की हमारे जीवन में रहती है अनिल जी। समीर जी, जैसे कि आज देखा जा रहा है कुछ लोग बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, कोई वजह रहती है उनके पास, चाहे मोटिवेशन नहीं मिलता उनको, चाहे उनके गोल सेट नहीं होते, उनके गोल सेट करने के लिए कुछ बताइए। देखिए, अगर आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो गोल सेटिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जब गोल सेटिंग की हम बात करते हैं कि अगर आपको लाइफ में ये नहीं पता कि आपको लाइफ में क्या हासिल करना है, तो अब क्या जीवन में आपको कैसे रहेगा कि मैंने ज़िंदगी में ये हासिल किया या मैंने नहीं हासिल किया। इसलिए जब हम गोल सेटिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम ज़िंदगी में चाहते क्या हैं, व्हाट यू रियली वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ। एंड सेकेंड पार्ट कि जिस चीज़ को हमें हासिल करना है, जिस लक्ष्य को हमने हासिल करना है, उसके लिए किन बदलावों की ज़रूरत है,
ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपको लाइफ में एक चीज़ को हासिल करना है एंड विदाउट एनी चेंज आप उस वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और जब तक आप बदलते नहीं हैं, बदलाव लेकर नहीं आते हैं, चाहे अपनी आदतों में या अपने चरित्र में, तब तक सफलता नहीं मिलती है आपको। डिज़ायर टू चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वही कर रहे हैं जो आज तक करते आए थे, 2016 में जो किया था, 2017 में भी आप वैसे ही आ गए हैं, तो रिजल्ट्स आपको 2016 के ही मिलेंगे। अब बहुत लोग, आपने सुना होगा, हम एक दूसरे को 1st of January को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। वो सिर्फ एक न्यू ईयर है, हैप्पी उसे बनाना पड़ता है। और वो तभी हैप्पी बनता है जब हम लाइफ में कुछ चीज़ों के लिए बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। एक प्रायोरिटीज़ को सेट करना, प्राथमिकता क्या है आपकी। दिन भर आपका एक शेड्यूल रहता है, मैंने गोल सेट कर लिया, मुझे ये करना है, मुझे इस चीज़ को हासिल करना है। कितना समय आप दे रहे हैं, आपका फोकस कितना है, प्राथमिकता अगर आप उस सब्जेक्ट को नहीं दे रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते एट द एंड ऑफ द ईयर। तो मैं यही कहूँगा कि जब हम गोल सेटिंग की बात करते हैं, तो हमें पता हो हमें क्या हासिल करना है। सेकंड, उसके लिए हमें किन बदलावों की ज़रूरत है। तीसरा, एक पूरा प्लान हमारे पास हो कि डेली बेसिस पे हमें कितना एफर्ट्स करना है और क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमें हटाने हैं, जो हमारा ध्यान हटाते हैं, हमें फोकस करना है। एंड फोर्थ इज़ अकाउंटेबिलिटी, उसको धीरे धीरे टाइम पे उसका रिव्यू भी लेना ज़रूरी है कि हमने ये देखा था एक हफ्ते में कितना हुआ है, महीने में कितना हुआ है, साल में कितना हुआ है। तो इस तरह का एक गोल सेटिंग प्रॉपर आपको बनाना और उसको फिर बाद में उसको एग्जीक्यूट करना भी हमें आना चाहिए। समीर जी, कुछ अपने लाइफ के अनुभवों को साझा करें लोगों के सामने। देखिए, एट द एज ऑफ 17 जब मैंने अपनी यात्रा को शुरू किया था, तो वो एक एंटरप्रेन्योर जर्नी थी। जब आप लाइफ में खुद से कुछ करना चाहते हैं, अब तक आप सिर्फ ये सोचकर स्टडी करते आए थे कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन आपको जॉब करनी है, बट वहाँ से एक अलग सा ही मोड जिंदगी में देखने को मिला अनिल जी, कि जब आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, आप जॉब नहीं करना चाहते, अब आप जॉब देने की बात कर रहे हैं, बात सोच रहे हैं, तो पूरी फैमिली फ्रेंड सबके लिए बहुत डिफरेंट होता है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना। तो ऐसी ही कुछ यात्रा शुरू हुई और बहुत सारे चैलेंजेस आए, लोग बहुत फेस करना पड़ा, लोगों ने बहुत एक तरीके से हर्डल्स क्रिएट किए, इवन चाहे आप फैमिली रिलेटिव्स की बात कर लीजिए या फ्रेंड्स की बात कर लीजिए, बट एक पैशन था, एक हॉप थी और एक विश्वास था कि नहीं, चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। बदलाव होता है, संघर्ष में आप अकेले होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप जीतना शुरू करते हैं तो दुनिया आपके पीछे चलना शुरू हो जाती है। तो ऐसे भी टाइम रहा है, जैसे मैं मोटिवेशन की हम बात कर रहे हैं, तो मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं आपको बताऊं कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो एक मोटिवेशन के सहारे जिंदा होते हैं, मोटिवेशन के सहारे चलते हैं। ड्यूरिंग माई जर्नी जब मैं काम कर रहा था, और कई बार आप अकेला भी महसूस करते हो, क्योंकि जब सब लोग आपके खिलाफ खड़े हों और फिर आपको जब चलना हो, दौड़ना हो, तो आपको मोटिवेशन की सच में बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे ऐसे पल भी रहे हैं कि किसी टाइम पे जब मैं अकेला होता था, अपने कॉलेज के पार्क में बैठा रहता था, तो किसी भी एक लेबर वहाँ पे कोई काम कर रहा होता, तो मैं उसको देख के बहुत मोटिवेट होता था कि अगर ये काम कर सकते हैं और इनको इनको पता है कि हमें लाइफ में क्या मिलना है, जब ये इतना काम कर रहे हैं तो हम क्यों अपने ड्रीम को छोड़ सकते हैं, हमें भी काम करना चाहिए, हमें भी दौड़ना चाहिए। कहीं से भी, जहाँ कहीं से भी आप अगर मोटिवेशन लेने के इच्छुक हैं, माई आईज़ वॉज ओपन, माई ईयर्स वॉज ओपन एंड आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर मोटिवेशन। मतलब मैं आँखें कान हमेशा खुले रहते थे, मुझे कुछ भी अगर देखने को मिल जाता था, मैं वहीं से मोटिवेट हो जाता था। एक आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, ये देखो ये भी काम कर रहे हैं, देखो वो भी काम कर रहे हैं। मैं अपने जब कॉलेज की बस में बैठता था, तो ड्राइवर, वो पता नहीं कितने उसके रूट्स होते थे, मैं उसको देख के मोटिवेट होता था, यार वो भी अपना काम कर रहे हैं, तो जो मुझे काम करना है तो फिर मैं अपना काम क्यों ना करूं। मोटिवेशन जब लैक ऑफ होप, लैक ऑफ पैशन, लैक ऑफ एंथुजियाज्म आपकी यात्रा में, आपकी लाइफ में आता है, तो आपको मोटिवेशन की सख्त ज़रूरत होती है। और आपकी ज़िंदगी में रोल कोई भी प्ले कर सकता है। समीर जी, मैंने आपके काफ़ी वीडियो देखे हैं यूट्यूब के अंदर, जहाँ पर आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कॉलेजों के लोग। कॉलेज में आपको ही क्यों इनवाइट करते हैं, आप में ऐसी क्या खास बात है? देखिए, कोई खास बात तो शायद दुनिया को पता होगी, लेकिन जब मैं इस लाइन में, मैंने सोचा था कि मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मैं अपने लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, तो उसका सबसे बड़ा अगर मैं विज़न बात करूँ, या मैं ऐसा कहूँ कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर क्यों बना,
जो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स ऑलरेडी इंडिया में हैं। बहुत खुशी होती है अनिल जी जब आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में जानते हैं या सुनते हैं, क्योंकि वो एक आज का जिस तरीके का एक नेगेटिव एनवायरमेंट पूरा क्रिएट हो गया है वहाँ पे, कोई भी इंसान अगर ऐसा एक काम कर रहा है तो बहुत खुशी होती है देख के। लेकिन बड़ी बात क्या है कि मेरी जो दूरदर्शिता है, मेरा जो विज़न है एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, देखिए देर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, वन इज़ एक्सटर्नल मोटिवेशन एंड वन इज़ इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन की जब बाहर से कोई वक्ता एक मोटिवेशनल स्पीकर आता है और आप उनकी बात सुनते हैं, आप उनसे प्रभावित होते हैं और वो एक दो घंटा पूरा चार्ज रहते हैं और उसका बहुत बड़ा लाइफ टाइम नहीं होता कि अगर आपको कोई बाहर से आके मोटिवेट कर रहा है। बहुत लोगों को आपने ये भी कहते सुना होगा कि जब हम एक किसी भी मोटिवेशनल सेमिनार को अटेंड करते हैं तब हम बहुत मोटिवेट रहते हैं और जैसे ही रात को सुबह सो के उठते हैं तो कुछ भी हमें याद नहीं रहता। इवन अगर आप देखेंगे कुछ, अगर आप मोटिवेशनल मूवीज़ देखें, लाइक अभी MS धोनी आई दंगल मूवी, आपने देखा होगा, बहुत लोग बैठे बैठे वहाँ चेयर्स पे ड्रीम बना लेते हैं कि अब मैंने ये करना है, अब मैं वो करूँगा, लेकिन जैसे ही एग्जिट गेट से बाहर आते हैं 10-15 मिनट के बाद सब खत्म हो जाता है। सो दैट इज़ एक्सटर्नल मोटिवेशन, उसका लाइफ बहुत बड़ा नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एज ए मोटिवेशनल स्पीकर वो इस रोल को प्ले करते हैं, ज़रूरत भी है लोगों को। सेकेंड इज़ इंटरनल मोटिवेशन, जब आपको बाहरी किसी मोटिवेटर की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर से एक आवाज़ आती है और आप उसको सुनना शुरू कर देते हैं। आप हर हालात में अपने अंदर की आवाज़ को सुनते हैं और जो आपको अपलिफ्ट करती है, वो पैशन, वह एंथुजियाज्म आप में लेकर आती है। सो देयर लॉट्स ऑफ डिफरेंट, जब आप इंटरनल मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, बाहरी किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बात सुनते हैं और आप लाइफ में उस हाइट को अचीव करते हैं कि अब आपको किसी बाहरी मोटिवेशनल सोर्स की ज़रूरत नहीं है, किसी के ऑडियो टेप्स या किसी के सेमिनार्स की ज़रूरत नहीं है, आप खुद एक चार्जर बन चुके हैं और आप बहुत सारी बैटरीज़ को चार्ज करते हैं। पहले आप सिर्फ एक बैटरी थी, आपको हमेशा एक चार्जर की ज़रूरत थी। तो माई विज़न इज़ कि फ्रॉम एक्सटर्नल मोटिवेशन टू इंटरनल मोटिवेशन को अचीव करना। आप एक्सटर्नल मोटिवेशन से शुरू करेंगे, इट विल टेक सम टाइम, ये ओवरनाइट नहीं है कि आप आज ही अपने अंदर की आवाज़ सुनना शुरू कर देते हैं। आप खुद ही कठिन परिस्थितियों में आप खुद को उठा पाते हैं या उनसे लड़ पाते हैं, वो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और बट हर एक इंसान को उस लेवल तक पहुंचाना, ये नहीं कि हमेशा एक मोटिवेशनल, मैं आज एक इंसान को मोटिवेट कर रहा हूँ अब वो मुझ पे ही डिपेंड हो गया है। अब अपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा वो एक मोटिवेशनल स्पीकर पे बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं, अब उनको सुनते हैं, उनको सुनने का बहुत मन करता है, उनसे अच्छा सुनने को मिलता है, बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन एक आदत सी हो गई है। सो वो गोल नहीं है, वो अपने आप से एक टाइम ऐसा आए, उस हाइट को वो अचीव करें कि इंटरनल मोटिवेशन उनके अंदर से आ रही है और अब उन्हें किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है। एंड फॉर मी पर्टिकुलर, मैं एक लाइन और कहना चाहूँगा कि मोटिवेशन इज नॉट ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन। मेरे पास बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, कहानियाँ मुझे बहुत पता हैं, तो मैं लोगों के साथ जाकर उनको साझा कर रहा हूँ। सो दैट इज़ नॉट द मेन क्वालिटी ऑफ ए मोटिवेशनल स्पीकर, द डिलीवरी मैटर्स अलॉट। अगर मैं लोगों को वो चीज़ डिलीवर कर पा रहा हूँ, फॉर मी अगर कोई मुझसे पूछता है कि हु इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड वट इज़ मोटिवेशन, तो मैं कहता हूँ द ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अगर मेरी बात सुनने के बाद आपको लगता है कि हाँ मुझे इस पर अमल करना चाहिए, नॉट ओनली जस्ट इन्फॉर्मेशन, द डिलीवरी टू इट मैटर्स अ लॉट। सो मोटिवेशन में मेरा, मैं जब भी किसी स्कूल या कॉलेज में जाता हूँ तो मेरा मेन गोल यही रहता है कि जब मैं वहाँ पे जाऊँ तो ऐसा उनको उनके साथ मिलाना, उनको ये बताना कि ये जो मोटिवेशन है ये आपके अपने अंदर है, और जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज आपकी लाइफ में आती हैं, ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती हैं, तो आप उन्हें खुद से हैंडल कर सकते हैं। हाँ, इट विल टेक कि वो एक सेमिनार में नहीं हो पाएगा, दो सेमिनार, तीन सेमिनार, चार सेमिनार, बट अप टू दी एंड एक टाइम ऐसा आता है कि एक इंसान सोचता है कि नाउ मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि लोग मुझसे बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स क्रिएट होंगे, लोगों की हेल्प करेंगे। तो फॉर मी ये थोड़ा डिफरेंस होता है जिसकी वजह से कॉलेज स्टाफ या यूनिवर्सिटीज़ या कंपनीज थोड़ा विश्वास जो है वो मुझ में देखती हैं कि हमें लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना है। आप किन किन टॉपिक्स पे बात करते हो? देखिए सर, मेनली आई एम नॉट अ बेस्ट सेलिंग ऑथर, या लाइक आप ऐसा कह सकते हैं कि जब लोग आपको इस तरीके से जानते हैं कि आपने ये लिखा है या कुछ ऐसा। सो मेरी लाइफ बहुत प्रैक्टिकल रही है, मुझे बहुत लिखकर या आपने कहीं से पढ़ा है वो आपको बोलना है, मुझे लगता है उसमें ओरिजिनलिटी नहीं रहती। एट द एज ऑफ 17 आई स्टार्टेड माई एंटरप्रेन्योर जर्नी, तो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं।
तो उसको जब लोगों के साथ हम साझा करते हैं तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। अभी मैं एक पर्टिकुलर एक स्टूडेंट से मिल रहा था, उसने मुझे अपनी इच्छा जताई कि आई वॉन्ट टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर और मुझे एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनना है। उसने कि इंटरनेट पे सर्च किया होगा तो उसने एक अकेडमी में बात की जहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर्स बनते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं है तो आप किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो देखिए, ये कई तरह के मोटिवेटर्स हैं। अब एक मोटिवेशनल स्पीकर वो है जिसको एक सब्जेक्ट पकड़ना है, उस पर अपनी एक्सपर्टीज हासिल करनी है, फिर उस पर बात करनी है। मेरी जो अपनी लाइफ रही है वो एक पूरी एक तरीके से आप कहिए जिसमें मैंने खुद मेहनत की है, हार्ड वर्क हुआ है, एक्सपीरियंसेस गेन हुए हैं, टीम वर्क हुआ है, लीडरशिप पे बात की है, ट्रेनिंग्स, आई डिलीवर थाउजेंड्स ऑफ ट्रेनिंग्स टू माई एसोसिएट्स, टू माई टीम पार्टनर्स। तो आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स में से निकलते हैं, आप एक सब्जेक्ट पे नहीं रहते। तो मेनली जो मैं बात करता हूँ, लीडरशिप की आप बात कर लीजिए, मेन इज कम्युनिकेशन की आप बात कर लीजिए, टू बिकम अ बेस्ट स्पीकर, इलेक्ट्रीफाइंग स्पीकर, कीनोट स्पीकर, प्रोफेशनल स्पीकर लाइक दैट, एंड द डिलीवरी, जैसे मैंने आपको बताया था, इन्फॉर्मेशन आप कहीं से भी ले सकते हैं। सेकेंड इज ऑल अबाउट डिलीवरी, दैट मैटर्स अ लॉट। एंड थर्ड, हाउ टू बूस्ट योर सेल्स इन योर कंपनी, इन योर कॉर्पोरेट कंपनीज की अगर मैं बात करूँ तो सेल्स को कैसे बूस्टअप करना है, एम्प्लॉयज हमेशा आपके मोटिवेटेड रहें वो। स्कूल में अगर हम बात करें तो हाउ टू किक आउट अ डिस्ट्रैक्शन, जो स्टडीज़ में डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक दो स्कूल्स में इवेंट किए हैं तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ से देखने को मिला है। देन आफ्टर टॉकिंग अबाउट द नेटवर्क मार्केटिंग, वन ऑफ द बूमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नियर टू डिकेड मुझे एक्सपीरियंस रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे मैं मेनली मैं बात करता हूँ, और जिस टॉपिक पे मेरी अपनी एक्सपर्टीज़ नहीं होती मैं उस टॉपिक को टच नहीं करता। इट्स नॉट अबाउट कि आप कुछ भी शेयर करें, आप जिन टॉपिक्स पे आपको लगता है कि हाँ हम इनमें कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मैं इन टॉपिक्स पे बात करता हूँ क्योंकि मेरी खुद की अपनी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं। समीर जी, आपसे जुड़ने के लिए क्या माध्यम है उनके बारे में कुछ बताएं। देखिए सर, मुझसे ऑडियंस कहीं भी जुड़ सकते हैं, मेनली वेबसाइट है www.samirathi.com, और जो अभी ऑफिशियली जिसे हम लॉन्च कर रहे हैं अभी मेनली, और बाय व्हाट्सएप बात कर सकते हैं, फेसबुक, ये आपको पता है सब सोशल मीडियाज़ पे हर जगह पे प्रेजेंट हैं, फॉर पर्सनल काउंसलिंग, फॉर टीम काउंसलिंग, फॉर बुकिंग फॉर एन इवेंट, तो हर जगह पे आज हम प्रेजेंट हैं लोगों से जुड़ने के लिए। हम खुद उत्सुक रहते हैं कि लोग जुड़ें, बस हम साथ में हैं उनके। समीर जी, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हो आप? देखिए मेनली जो यंगस्टर्स हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद एथिक्स एंड वैल्यूज़। मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूँ तो मैंने कभी भी समझौता नहीं किया अपने एथिक्स के साथ, अपने वैल्यूज़ के साथ। आपकी इनर सोल आपको जो अलाउ करती है आपको वो करना चाहिए, एक करेज होना चाहिए आप में टू से नो कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है। तो कभी भी अपने एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, अपने एथिक्स, अपनी वैल्यूज़ वो हमेशा आपको टॉप पर रखनी चाहिए, जिससे कि आप लाइफ में हमेशा एक होनेसिटी, एक प्राउड आप फील कर पाओ कि पीस ऑफ माइंड आपकी लाइफ में रहे कि नहीं मैंने किया बिल्कुल ठीक किया और मेरी इनर सोल ने मुझे अलाउ किया। तो और सेकेंडली मैं एक चीज़ और कहूँगा कि हार्ड वर्क इज़ द ओनली की टू सक्सेस। आप अगर ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिलेगा। और थर्ड पॉइंट, थर्ड सबसे बड़ा मैसेज मैं देता हूँ कि पहले एक वक्त हुआ करता था कि लोग कहते थे कि आप पहले ये करो, फिर आप 20, 25, 30, 35, 40 की एज के बाद आपको जाके सफलता की बातें करने का मौका मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, आप छोटी सी एज में कुछ बड़ा कर सकते हैं। बहुत एग्जांपल्स आपने दुनिया में लोगों को देखे हैं। तो आप ये जो एक होता है, कॉलेज में अक्सर फ्रेंड्स ये बात कहते हैं ये एज दोबारा नहीं आनी, ये उम्र दोबारा नहीं आनी, मैं भी अपने दोस्तों को कहता था ये उम्र दोबारा नहीं आनी। तो दोनों के अपने अलग अलग सोचने के विचार, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाइए, सोसाइटी के लिए कुछ डिफरेंट कीजिए और कुछ ऐसा कीजिए कि आप जिसमें आपकी इनर सोल आपको प्राउड, आप जब एकांत में हो तो आपको कह सके ये नहीं यार आपने बहुत अच्छा काम किया है। एथिक्स की बात करूँ मैं इन सेल्स लाइन, तो आप एक्चुअल में कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल नहीं करते, आप हमेशा अपनी एथिक्स को सेल करते हैं। तो अगर आप वो चीज़ आपको अलाउ कर रही है तो आप बाहर निकलिए और करना शुरू कीजिए, लोगों के साथ साझा करना शुरू कीजिए। तो मैं यही संदेश दूंगा युवाओं को कि ये उम्र दोबारा नहीं आनी, एक बार समय निकल जाता है तो उस टाइम को समझिए, उसकी कीमत को समझिए और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाइए, अपने ड्रीम सेट कीजिए, उनको अचीव करिए, अपने लाइफ में अपना फोकस रखिए। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद एथिक्स एंड वैल्यूज एवर, नेवर एंड एवर एंड एवर। समीर जी, हमारे चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर थैंक यू सो मच, मतलब आपसे बात करके सुनो भारत के बारे में जब जानने को मिला तो बहुत खुशी हुई। और ये एक तरीके का कि जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं, आज जब हम चैनल्स की बात करते हैं, तो
ऐसे देखने को मिलता है कि आप सफलता के बारे में बातें होती हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि मतलब आज हम बैठे हैं, आपने बात हो रही है वो सफलता के ऊपर बात हो रही है, आज एक मोटिवेशन के ऊपर बात हो रही है और आपका चैनल इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, लोगों के साथ साझा कर रहा है, तो इट्स रियली अ वेरी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, ए पॉजिटिव मैसेज। तो बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अपने आप को कृतज्ञ मानता हूँ आपको कि आपने मुझे मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी लोगों से बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके सफ़र के लिए, और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर सुनो भारत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और लोगों के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और अपने अपने जीवन को बेहतर बना पाएँ और इस वीडियो से कुछ फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक यू सो मच। कई बार बहुत लोग पूछते हैं कि मोटिवेशन क्या है, एंड दैट द मोटिवेशन रियली इज, इन चार लाइनों को हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा, मैं हमेशा याद रखता हूँ। कहते हैं कह दो इन मुश्किलों से थोड़ी मुश्किल हो जाए, कह दो इन कठिनाइयों से थोड़ा और कठिन हो जाए, अगर देखना चाहते हो मारे उड़ने के अंदाज को तो फिर कह दो इस आसमान से थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर हो जाए।